ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी को आज हम श्रवण कराएंगे श्रावण मास के प्रथम सोमवार की व्रत कथा किस प्रकार है। तो मेरे प्रिय भक्तों, कमेंट में हमें ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, माताएं एवं बहनों, भाई बंधुओं, आइए अब हम श्रवण करते हैं श्रावण सोमवार की पौराणिक पवित्र मंगलमयी व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार क्रम क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसके दुखों को अवश्य दूर करिएगा आप, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्या आपकी सेवा व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा बार बार आग्रह देख शिव जी महाराज जी कहने लगे कि हे पार्वती जी, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह रात और दिन दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था, इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुला, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह सब प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा, उस शहर के राजा की कन्या की शादी हो रही थी। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना विवाह कार्य इसी लड़के से करा दिया जाए। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादानों के काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत कुछ धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी के
पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने पढ़ा और राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो अभी काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, एक दिन जब वे यज्ञ कर रहे थे कि लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरू उड़ गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय से पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ें सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उस लड़के को जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी पार्वती जी कैलाश चले गए। तब लड़का मामा उसी प्रकार यज्ञ करते रहे तथा शिक्षा पूरी हो जाने पर घर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उनका विवाह हुआ था, वहां पर भी आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर की साथ ही बहुत दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आवे तो राजी खुशी, नहीं तो नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान शिव की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।